हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हमारा TLM का टॉपिक है बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने बेरोज़गारी को परिभाषित करके ये बताया है, इसके प्रकार से इसको किस प्रकार से मापा जाता है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है बेरोज़गारी को, इसके टाइप्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे इंडिया में किस तरह से रही है 2007 से 18 तक, उसको मैंने एक ग्राफ के थ्रू डिनोट किया है लाइन चार्ट के थ्रू, तो आप इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे जूम कर रही हूँ, आप एक एक करके देख सकते हैं और इसे बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, बहुत ही कम टूल्स के साथ अपने TLM को बनाएं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने बेरोज़गारी को परिभाषित किया है, जब काम चाहने वाले व्यक्तियों को इच्छा एवं योग्यता रहने पर भी मजदूरी की प्रचलित दरों पर काम नहीं मिलता है तो इसे बेरोज़गारी कहते हैं। काफ़ी इजी वे में मैंने लिख दिया है। अब बेरोज़गारी के टाइप्स पर आते हैं। बेरोज़गारी के टाइप में मैंने ग्रामीण बेरोज़गारी और शहरी बेरोज़गारी को अलग अलग करके दिखाया है। ग्रामीण बेरोज़गारी में मौसमी बेरोज़गारी, छिपी हुई बेरोज़गारी एवं प्रछन्न बेरोज़गारी, ये मुख्यतः ग्रामीण बेरोज़गारी के प्रकार हैं। और शहरी बेरोज़गारी, जिसमें शिक्षित बेरोज़गारी, औद्योगिक बेरोज़गारी, तकनीकी बेरोज़गारी, ये सारी शहरी बेरोज़गारी के प्रकार हैं। आगे देखते हैं, एक पॉइंट मैंने जो NSSO द्वारा जारी किया गया था वहाँ से मैंने लिया है। 1970 में बेरोज़गारी को मापने के लिए भगवती कमेटी बनी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे TLM में मैंने अपनी जगह दिया है। तो इस कमेटी के सिफारिश पर ही NSSO ने बेरोज़गारी के मापन के तरीके प्रस्तुत किए थे, और ये बेरोज़गारी के मापन के तीन तरीके हैं, आप देख सकते हैं। एक तो दीर्घकालिक बेरोज़गारी, अल्पकालिक बेरोज़गारी एवं दैनिक बेरोज़गारी। इन तीन टाइप के जो बेरोज़गारी हैं, इसको मापने के भी तरीके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। 183 × 8 आवर, 365 डेज़ का आधा काम ना मिले। 365 को जब आप आधा करेंगे तो 183 होगा, और 183 × 8 आवर मतलब पर डे 8 आवर अगर काम करते हैं तभी बेरोज़गारी, तभी रोज़गार मिलना बोलते हैं। तो अगर 183 दिन तक 8 घंटे तक रोज़गार मिलता रहे तब तो वो एम्प्लॉयड है, उसे उसके पास रोज़गार है। बट दीर्घकालिक बेरोज़गारी में हम ये देखते हैं कि 183 दिन तक 8 घंटे पर डे के हिसाब से अगर वो काम नहीं करता है तो वो एक दीर्घकालिक जो टाइम है, टाइम पीरियड है, उसमें हम उसे बेरोज़गार कहेंगे। अल्पकालिक बेरोज़गारी, एक हफ्ते में एक दिन पर 8 आवर काम ना मिले, मीन्स वो हफ्ते में एक दिन अनएम्प्लॉयड है, तो वह अल्पकालीन बेरोज़गारी है। और दैनिक बेरोज़गारी में वो आधा दिन मतलब पर 4 आवर, पर डे में मैंने बताया कि 8 घंटे काम करने चाहिए, 8 घंटे का काम होना चाहिए, लेकिन वो एक दिन में 4 घंटे ही काम करता है और वो 4 घंटे का काम नहीं करता है तो उसे दैनिक बेरोज़गारी के अंदर लिया जाता है। आगे इसे हम एक लाइन चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, इसको मैंने यहाँ पर लाइन चार्ट को दिखाया है। मैंने एक्स एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को परसेंटेज में लिया है, और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसे जूम कर रही हूँ, 2007 से 18 तक किस प्रकार बेरोज़गारी का दर पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा और फिर बढ़ता ही गया, और फिर धीरे धीरे 2018 तक काफ़ी इसमें कमी आई है बेरोज़गारी में। तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया 2007 से 18 तक को आप अलग चार्ट में TLM के रूप में अलग से बना सकते हैं, और एक नया TLM आप लोग का तैयार हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये TLM? मैंने TLM के साथ कुछ नॉलेज भी आपको शेयर किया, इट मे कि आपको इस TLM से कभी पढ़ाने को मौका मिले तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा भी लगा आपको TLM, आप मुझे कमेंट करें, और आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।